हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूबर बॉय हेल्प में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रिन्यूअल फॉर्म कैसे करते हैं। आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो दोस्तों, तो उसका स्कॉलरशिप का रिन्यूअल फॉर्म कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊँगा एकदम बेसिक से। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले यदि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ, तो उसी रजिस्ट्रेशन से रिन्यूअल होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख लीजिए, यदि नहीं, अगर आप भूल गए हो तो कमेंट करके बताएं, तो हम आप लोगों को तरीका बताएंगे कैसे आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हम देर ना करते हुए आप लोगों को बताते हैं कि रिन्यूअल कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग किसी भी गूगल क्रोम पे आ जाइए, ठीक है, लिखिए यूपी स्कॉलरशिप। ठीक है, ये देखिए मैं सर्च किया हूँ, तो यही चीज़ें यूपी स्कॉलरशिप आप जो है लिख देंगे, ये यूपी स्कॉलरशिप या सरकारी रिजल्ट से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यूपी स्कॉलरशिप सर्च कर दिए हैं, तो पहला पेज जो आया यूपी स्कॉलरशिप, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक कर दिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वाले कॉलम पे आ जाइए, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन है। यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन जैसे फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं, किसी भी, चाहे इंटर का हो, चाहे नाइन्थ का हो, ठीक है, और चाहे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का है, तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका फ्रेश लॉगिन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और यदि आपका फर्स्ट ईयर छोड़कर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है, तो वहाँ पे आप रिन्यूअल करेंगे, रजिस्ट्रेशन फिर से नया नहीं करेंगे, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, तो रिन्यूअल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए रिन्यूअल पे है ना, तो यहाँ पे रिन्यूअल पे ये वाले कॉलम पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो रिन्यूअल पे क्लिक कर दिए हैं दोस्तों, देखिए रिन्यूअल जब क्लिक करेंगे, तो इस चार ऑप्शन आएगा, प्री मैट्रिक, यहाँ पे देखिए ये वाले कॉलम पे प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉग इन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉग इन, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉग इन, और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट लॉग इन। तो ठीक है, ये प्री मैट्रिक क्या होता है, नाइन टेंथ के लिए होता है, इंटरमीडिएट आप जान ही रहे हैं 11-12 के लिए, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इंटर छोड़ करके कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉग इन होता है। ठीक है, और अदर स्टेट के लिए लास्ट वाला ऑप्शन होता है, तो हम आज आप लोगों को बताएंगे बीए का करके बताएंगे। तो इसी प्रकार आप लोग जो है, चाहे बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, यदि कोई समस्या आती है तो आप लोग जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको हम जरूर जो है रिप्लाई देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस पे हम ये क्लिक कर दिए हैं, फिर ये कुछ टाइम सर्च लिया, देखिए सर्च हो गया, तो उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखो मैं भर दे रहा हूँ, जो भी है हमारा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिए। यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको प्रोसेस बताएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप सुरक्षित इसको रखा करिए, भूला ना करिए। ठीक है, अब देखिए डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो हम डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं, फिर उसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड आपका जो भी है, ये पासवर्ड डाल दिए हैं, फिर कैप्चर कोड डाल करके आप जो है इसको सबमिट करिए, कैप्चर कोड ये डाल दिए हैं, फिर उसके बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए अपना डिटेल, फिर उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए सबमिट पे क्लिक कर दिए हैं, तो ये कैप्चर कोड गलत बता दिया है, तो फिर से इसको डालेंगे दोस्तों कैप्चर कोड। ठीक है, ये देखिए हम सब डाल दिए हैं, फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सबमिट कर दिए हैं दोस्तों, देखिए पेज खुल करके आ गया है। तो सबसे पहले आधार नंबर प्रमाणित करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी रहेगा, तो आधार आप लोग प्रमाणित कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आधार के बाद क्या करेंगे, देखिए आधार के बाद आधार, ये चीज़ें किसी किसी में हो जाएगा, और किसी में जो है आधार प्रमाणित करना रहेगा, तो आधार आप लोग जो है
आधार नंबर डाल करके, फिर ओटीपी जाएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो ओटीपी डालिएगा तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अगला कह रहा है मोबाइल नंबर सत्यापित करें, ठीक है। मोबाइल नंबर सत्यापित करें फिर ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए मोबाइल नंबर हम सत्यापित करेंगे दोस्तों। रिन्यूअल में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सब चीज़ें ऑलरेडी भरा रहता है, बेसिक कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ता है, तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या चेंज करना पड़ता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आधार आप लोग वेरीफाई करेंगे, फिर मोबाइल नंबर सत्यापित करेंगे, ठीक है। ओटीपी जाएगा फिर उसमें, उसके बाद जो है आप लोग भर पाएंगे अच्छे से। ये मोबाइल नंबर हो गया 790, ये फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, एग्री पे क्लिक करिए, कैप्चर कोड डालिए। कैप्चर कोड डालने के बाद जो है आप लोग सबमिट करिए इसको, क्योंकि कैप्चर कोड हो गया, फिर उसके बाद सबमिट करिए। देखिए इसमें इसी में आएगा जो है, मैं इसको फ्लाइट मोड लगाया हूँ तो फ्लाइट मोड से हटा देता हूँ, तो इसी में ओटीपी आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ओटीपी आ गया है हमारा, तो आइए देखते हैं इसको भरते हैं। चलिए ओटीपी हम भरते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद जो है कैप्चर कोड भरेंगे। ये कैप्चर कोड हो गया, फिर सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन, यहाँ नीचे जो ग्रीन पे है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं, ये देखिए, फिर उसके बाद कुछ टाइम लेगा प्रोसेस। देखिए योर रजिस्ट्रेशन फेल हो गया दोस्तों, इस रजिस्ट्रेशन जो है फेल हो गया है, तो फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं दोस्तों इसको। ये अभी साइट जो है चल नहीं रही सही से ना, इसीलिए जो है प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से है ये ऐसा हो रहा है। एक बार इसको फिर से ट्राई कर ले रहे हैं, चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, तो ये सर्वर की वजह से है, तो आप लोग जो है थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, शाम की या नाइट में करिए तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद जो है फिर NCPI जो होता है ये सत्यापन करना होता है, तो ये ऑलरेडी हो जाता है दोस्तों। यदि नहीं होता है तो आप बैंक में जाएंगे, इसके मैं बात कर रहा हूँ NPCI की बात, जो चौथे नंबर पे है, ठीक है। ये जब क्या होता है ऑटोमेटिक सत्यापित हो जाता है, यदि नहीं होता है तो आप बैंक में जाएंगे कि क्लर्क से बोलेंगे कि मेरा जो है NPCI सत्यापित नहीं हो रहा है सर, तो वहाँ से वो बायोमेट्रिक कर देंगे आपका, तो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये, देखिए नवीनीकरण आवेदन पत्र संशोधित करें, तो यहाँ जो भी चीज़ें हैं आपका संशोधित कर देंगे, ठीक है। संशोधित करने के बाद जैसे आपका कुछ चीज़ फीस रसीद संख्या है ये सब चीज़ चेंजिंग करेंगे, और परसेंटेज है ये सब चीज़ चेंज करके फिर फोटो अपलोड करेंगे, और जांच हेतु प्रिंट करके देख लीजिएगा, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट मार दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों, जो टेक्निकल इशू के कारण जो है मतलब सर्वर के कारण जो ये नहीं खुल रहा है। तो चलिए मैं अगले वीडियो में इसको जब खुलने लगेगा आप लोगों को अपडेट दे दूंगा कि जब होने लगेगा, ठीक है। आप लोग नाइट में करेंगे तो ज़्यादा इस समय हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए एक दो दिन, उसके बाद ही होने लगेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। में दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार शानदार जानकारी और लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।